एक्वा अगर इसकी शेप वाइज की बात की जाए तो काफ़ी हद तक आपको टोयोटा प्रियस जैसी लगती है। वैसे तो फ्रंट इसका काफ़ी हद तक क्या लगता ही प्रियस है, और मेरा ख्याल आम बंदे की पहचान में ये प्रियस ही आएगी। कहते वैसे इसको प्रियस ही भी है यूरोप में। इसका नाम टोयोटा एक्वा है। जापान में मैन्युफैक्चरिंग इसकी होती है, और भी दो तीन मुल्कों में मैन्युफैक्चरिंग होती है। और अगर कहा जाए ये स्टार्टिंग की हाइब्रिड गाड़ियों में से कामयाब तरीन गाड़ी है, जो कि एक नहीं दो नहीं तीन चार दफ़ा अवार्ड भी ले चुकी है। आज का दिन 2012 की टोयोटा एक्वा एस पैकेज के नाम। इसमें हर डिफरेंट किस्म के पैकेज आते हैं, एस एक्स जी एल। जी टोरिंग इसमें सबसे टॉप वाला होता है, सेम है जैसे प्रियस में आप कह लें। जी टोरिंग पैकेज सबसे टॉप का होता है, इसमें भी इस तरह ही है। टोयोटा एक्वा अगर इसकी कामयाबी की वजह जानी जाए तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा इसको दुनिया भर में भी इसी वजह से पसंद किया गया कि इसकी फ्यूल एवरेज काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल इसकी एवरेज कंपनी तो 35-32-30 तक क्लेम करती है, बट इतनी आती नहीं है कहीं भी किसी से नहीं। जिससे भी पूछो इसकी एवरेज 22-20-23, लॉन्ग पे 25-26 की देती है। हमारे मुल्क में एक ज़रूर मसला है इसका, जहाँ एवरेज की बात की जाए तो एवरेज वाइज गाड़ी बेहतरीन है, बिल्कुल 20-22 की एवरेज यहाँ दे जाती है। जो पुरानी है वो 17-18 की देती है, पुरानी एक्वा 11-12 मॉडल, ये भी 12 मॉडल की है, बट इसको अगर संभाल के आप ना रखें तो एवरेज इसकी बुरी से बुरी होती जाती है। काम शाम इनमें कोई नहीं होता, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर चेंज करवाएं। कोई इसके बारे में एक बड़ी र्यूमर्स है कि इनकी बैटरियां ख़राब हो जाती हैं हाइब्रिड की, ऐसी कोई बात नहीं, इनकी बैटरियां नहीं ख़राब होती, आप प्यार से चलाएं। हमारे मुल्क में जो एक मसला ये गाड़ी फेस करती है वो है क्लियरेंस का। इसमें जितने लोगों के पास ज़्यादातर एक्वा है उन्होंने इसमें पैकिंग रखवाई हुई है। पैकिंग मीन ये पिछले टायरों में पैकिंग रखवाई जाती है। पैकिंग ये होता है कि थोड़ी सी इसकी फ़िटिंग की जाती है कि जिससे ये एक एक इंच ऊपर हो जाते हैं। कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग इसमें बड़े टायर लगवा लेते हैं। साइड वाइज की बात की जाए, साइड वाइज गाड़ी काफ़ी अच्छी है, और इसकी लुक भी एक अगर कहा जाए तो काफ़ी चेंज है। और इस गाड़ी को अगर कंपेयर किया जाए, इसका कंपेटिटर जो होंडा की गाड़ी में है वो होंडा फिट है। साइड वाइज अगर देखा जाए, लेंथ वाइज दोनों गाड़ियों की तकरीबन सेम लेंथ है। फ्रंट से भी गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है, सेम है जैसे प्रियस में। जी टोरिंग पैकेज सबसे टॉप होता है, इसमें भी जी टोरिंग या जी एलईडी पैकेज सबसे टॉप होता है। उसमें होता है आपके फ्रंट पे भी एलईडी आ जाती है, नीचे फॉग लैंप वाली जगह पे भी एलईडी आ जाती है। बाकी गाड़ी की एरोडायनामिक स्पेस इसकी काफ़ी, जिसे कहते हैं कि स्पेशियस है गाड़ी। और ये मैं बता दूँ, बाहर के मुल्कों में यूरोप में इसको प्रियस ही बोला जाता है, वहाँ एक्वा नहीं बोला जाता, ये जापान में सिर्फ बोला जाता है, और उधर ये एज आ टैक्सी चलती है गाड़ी। प्राइस का जहाँ तक ताल्लुक है, जापान में गाड़ी ये वाली गाड़ी अगर कहा जाए 3-4 लाख आपकी पाकिस्तानी है, शायद इससे भी कम होगी। ये 12 मॉडल, अगर इसके नए मॉडल की बात की जाए वो $8,000-$10,000 का इस टाइम है यूज़ में, वो भी आप कह लें 17-18 मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, या 19 मॉडल। इधर इस पर ड्यूटी इतनी लग के और ये गाड़ी का रेट कहाँ से कहाँ चला जाता है। स्टार्टिंग में गाड़ियाँ आई थी 15-16 लाख बिकती थी, 17-17.5 इतने की। इस टाइम क्योंकि इंपोर्ट बंद है, गाड़ी का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। 17-18 वाली गाड़ी इस टाइम 23-24 की हो गई है। इस गाड़ी की प्राइस की जाए तो ये भी 23-24 लाख से कम किसी सूरत नहीं है। टोयोटा एक्वा 1.5 लीटर पेट्रोल में आती है, ये डीजल में नहीं आती। राइट हैंड भी होती है, लेफ्ट हैंड भी होती है। यूरोपियन कंट्रीज़ में ये गाड़ी लेफ्ट हैंड भी आती है। जहाँ तक इसके पार्ट्स का ताल्लुक है, पार्ट्स हर जगह से इसके पाकिस्तान में तो नहीं मिलते, बट बड़े शहरों से मिल जाते हैं। पाकिस्तान में अगर कहा जाए लाहौर में, बिलालगंज से, कराची की भी मार्केट है, वहाँ से मिल जाते हैं। थोड़े से महंगे हैं बट मिल जाते हैं हर चीज़। इसका फ्रंट नोज़ सारा कुछ मिल जाता है, लाइट, बम्पर, हर चीज़। काफ़ी लोग इसके बारे में मिसकॉन्सेप्शन फैलाते हैं कि पार्ट्स नहीं मिलते। जहाँ तक बैक लेग स्पेस का ताल्लुक है तो बैक लेग स्पेस गाड़ी में कम है, क्योंकि अब ये गाड़ी इस टाइम फुल पीछे है, सीट अगली फुल पीछे, और मुश्किल है काफ़ी। बट ये कि छोटी फैमिली जिस तरह जापान में होता है, मियाँ बीवी बच्चे के लिए ठीक है, इससे ज़्यादा के लिए नहीं। क्योंकि अब देखिए मैं बैठा हूँ, हेडरूम भी अगर देखा जाए गाड़ी में, जापानी गाड़ी जो 660 cc है उसके मुकाबले में अगर देखा जाए उनमें फिर ज़्यादा स्पेस होती है, इसमें स्पेस कम है आप देख सकते हैं। बट फिर भी लोगों ने पसंद की है, और ये गाड़ी में बताऊँ 3 से 4 बंदे बैठ जाएंगे, जंप पे काफ़ी लगती है। अगर कम बंदे बैठे हों, 2 मियाँ बीवी और एक बच्चा हो, फिर नहीं लगती। लॉन्ग पे भी बेहतरीन है, इसकी एवरेज काफ़ी अच्छी है। जहाँ तक डिग्गी का ताल्लुक है तो डिग्गी में अच्छी खासी स्पेस है, और आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे इसमें मेरे ख्याल आप सामान रख सकते हैं, बैग शैग भी रख सकते हैं। और सीट्स का थोड़ा सा है कि बैक लेग स्पेस का अगर बड़ा बंदा है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी सामान में इसके कोई इशू नहीं है। इसी में स्टपनी आती है, जो अब नई वाली आ रही है उनमें एयर पंप आता है। बाकी गाड़ी स्पेशियस है ओवरऑल। इसमें यह है कि हैचबैक होने के बावजूद भी, हैचबैक या इसको सब कॉम्पैक्ट कार भी उधर बोलते हैं, उसके बावजूद भी अच्छी खासी जगह है। बैक वाइज देखा जाए तो गाड़ी की शेप वाकई
काफ़ी अट्रैक्टिव है और हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। बैक वाइपर, टिंटेड ग्लास, स्पॉयलर काफ़ी अच्छा है, पता चलता है, एंटीना, हर चीज़ है। इसी में जो नई शेप है, चेंजेस कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइट का फ़र्क है, कॉस्मेटिक आगे पिछली लाइट और अगली लाइट का फ़र्क है। यहाँ दो लाइटें आ जाती हैं इसमें, इधर ये सिंगल है उसमें डबल शेड आ जाता है LED का। बाकी बैक वाइज काफ़ी खूबसूरत है और देखा जाए एक चीज़, हर चीज़ आप देखें टोयोटा की काफ़ी गाड़ियों में ये चीज़ ज़रूर आपको लिखी नज़र आएगी, ये हाइब्रिड साइनर्जी ड्राइव। ये टोयोटा की काफ़ी गाड़ियों में आपको ये हो गई, वॉक्सी, टोयोटा वॉक्सी हो गई, और भी बेशुमार टोयोटा की जितनी हाइब्रिड गाड़ी हैं 2012-13 के बाद से, उनमें ये चीज़ है। इसका मतलब है भाई ये गाड़ी हाइब्रिड होती है। ये इनका बेसिकली जो इंजन है उसका नाम है, ये आप इसके इंजन पे भी देखें लिखा होगा। जहाँ तक ड्राइव का ताल्लुक है तो गाड़ी ड्राइव वाइज काफ़ी सॉफ्ट है, और इसकी सबसे अच्छी जो बात ना सिर्फ मुझे, काफ़ी लोगों को, क्या सारी दुनिया को यही लगी है, इसका ये जो मीटर है, डिजिटल मीटर, ये प्रियस और भी काफ़ी गाड़ियों में आता है। टोयोटा ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, विड्स में भी आया था और भी काफ़ी कंपनीज़ ने करवाया। बाकी गाड़ी में हर चीज़ है अगर देखा जाए, हर ऑप्शन इसमें। बाकी ये चीज़ें मिलता है, स्टैंडर्ड है उधर का, जापान में ये चीज़ें स्टैंडर्ड है, रडार शडार इसमें, क्योंकि ये पुरानी जनरेशन है इसमें नहीं था। बाकी ये चाबी वाली है, इसमें GLED जो होती है पुश स्टार्ट वाली होती है, और गाड़ी काफ़ी सॉफ्ट है गाड़ी की ड्राइव। और मेरा ख्याल है अगर आपके पास इस टाइम बजट है 22-23 लाख का बेहतरीन, या 21 लाख में भी, 20-21 लाख में भी इस टाइम कोई गाड़ी आपको मिल जाएगी तो बेहतरीन है, एक्वा लें। बट अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल एक्वा एक अच्छी गाड़ी है, क्योंकि ये कि इसमें थोड़ा सा क्लियरेंस का मसला है। लॉन्ग पे बहुत बेहतर है, लॉन्ग पे काफ़ी लोग कहते हैं लॉन्ग पे बेहतर नहीं है, भाई लॉन्ग पे काफ़ी अच्छी गाड़ी है, एवरेज काफ़ी अच्छी देती है। हाँ, नॉर्दर्न एरियाज जहाँ खासतौर पर ऑफ रोडिंग या ऊंची ऊंची सड़कें हैं, सड़क सही नहीं है उधर के लिए मसला है, गाँव शाँव के लिए भी काफ़ी मसला है, ये आप नहीं चला सकते। बाकी गाड़ी चलाते हुए पता ही नहीं चलता, यकीन माने ये पता ही नहीं चलता, और ये बैटरी पे 60 से नीचे गाड़ी खुद रेड़ती जाती है, आपको पता ही नहीं चलता गाड़ी रेड़ती जाती है। और ये वाली जो गाड़ी हैं, क्योंकि ये जापानी गाड़ी हैं, इनका रोड क्लियरेंस का इशू होता है, ये रोड की गाड़ी है, रोड के अलावा आप जैसे मैंने पहले बताया ऑफ रोडिंग कर लें या उन एरियाज में ले जाएँ, गाड़ियाँ नहीं चलती। उम्मीद है टोयोटा एक्वा 2012 का रिव्यू आपको पसंद आया होगा, पूरी कोशिश की, स्टिल चीज़ें रह गई होंगी कमेंट्स में ज़रूर लिख दिया करें। एक शॉर्ट सा रिव्यू था, रिव्यू भी बोल सकते हैं, वॉक अराउंड भी बोल सकते हैं। आपने भी अपनी किसी किस्म की गाड़ी का रिव्यू करवाना हो मुझे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद है लाइक करें यार, कमेंट करो, और ये कि शेयर भी किया करो फेसबुक पर। उम्मीद है ये ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज़, रिव्यूज़, कंपेरिजन और भी काफ़ी कुछ आपके लिए लाते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।